आप बीएसपी से आरएलडी में चले गए चुनाव के एन पहले, तो अब सांसद महोदय थे आप, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी पलटी हैं कि ना मायावती उनके काम आई क्योंकि सीटों का वोटों का बंटवारा तो दिख नहीं रहा है मिस्टर नागर। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो आरएलडी का गठबंधन भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के काम ना आया। देखिए अभी तो एज्यूमिंग बेस पे कह सकते हैं अनी, तो जो चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा के लोग हैं वो सब वोट मिली हैं, और जिन सीटों को कह रहे थे मुजफ्फरनगर हारेंगे, मेरठ हारेंगे, कैराना हारेंगे, वो सब सीट जीतती जा रही हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के जो लोग हैं उनकी वजह कहीं ना कहीं इसके साथ है। और मैं जो देख रहा हूं हमारे सारे टेलीविजन के स्क्रीन पे जो लोग कहते आ रहे हैं, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो राजपूत जी बोल रहे थे और सुधीर जी के बारे में जिस तरीके से उन्होंने देश के नेशनल टेलीविजन पे आज तक पे आके जो भाषा बोली, इनमें इतना तकबूर है इसीलिए इनकी ये स्थिति हुई थी। लेकिन थोड़ा सा आज उछाल हुआ, थोड़ा संभावनाएं जगी, आज फिर उसी तरीके से सीधा एंकर पे हमला कर रहे हैं। और अंजना जी मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, 400 की बात बहुत चल रही है, 400 कहा था अभी तो 300 के करीब हो आप, इन्होंने 295 कहा था, ये 220 के करीब है, हमने 400 कहा था, हम 300 के करीब है। प्रोपोर्शनेटली प्रोडेटा बेसिस देखें तो हम बराबर खड़े हैं, इनकी 295 से कम आ रही है, इनकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं। और जहां तक देश को देखें, अभी जो श्रीनेत जो प्रवक्ता कांग्रेस की वो कह रही थी इनकी वोट घटी है, इन्हें तो नैतिकता के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे जब दूसरी कोई पार्टी नहीं थी देश में आजादी के बाद, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और दूसरे चुनाव में ही उनके एमपी की संख्या घट गई थी, क्या उन्होंने उस समय इस्तीफा दिया था? और जहां तक बात है देश की, सरकार पूरी तरह बन रही है और ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है देश में कि आजादी के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ। और जब पहली बार हुआ, बड़ी बड़ी खबर इस समय हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। अभी तक जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने हार स्वीकार कर ली है, उनके बेटे नकुलनाथ यहां से चुनाव लड़ रहे थे, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, अभी नतीजा नहीं आया है लेकिन कमलनाथ ने हार स्वीकार कर ली है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ या उनके बेटे कोई भी खड़े हो, उनका हारना एक बड़ी खबर हो जाती है। लेकिन यहां पर इस चीज को भी याद रखना पड़ेगा कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान जैसे मध्य प्रदेश के नतीजे आए थे, हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं, राजनांदगांव में तो काफी आगे। तो बात छिंदवाड़ा की हो रही थी और एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश की ये होगी कि वहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है और छिंदवाड़ा की सीट जो नारा लगता था इंदिरा गांधी के दो हाथ संजय गांधी और कमलनाथ की सींची हुई सीट आखिरकार उनके बेटे लगता है कि गंवा देंगे। ऐसा अभी तक के रुझान के मुताबिक रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन उससे पहले कमलनाथ ने वहां पर हार स्वीकार कर लिया। अंजना मुझे ये भी लगता है कि जहां पर आपके क्षेत्रीय तौर पर स्थानीय तौर पर बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वहां पर आपको एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब चाहे वहां पर मुख्यमंत्री कोई भी बना हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का भी ग्राउंड पे रहना बहुत हद तक असर तो करता ही है। और विदिशा की सीट पर वो जबरदस्त मतलब मार्जिन से आगे बढ़े जा रहे हैं, जो लास्ट मैंने चेक किया था 3 लाख से ऊपर उनका मार्जिन था। रुझान में इंडिया को एनडीए से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आती हुई दिखाई दे रही है और ये शायद बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। आशुतोष जी जल्दी से कमेंट आपसे, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश और जो सबसे बड़ा नारा वहां चल रहा था वो यही कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन जो तीन बड़ी बातें दिखाई देती है, एक तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया साध्वी प्रज्ञा हो, रमेश भिदुड़ी हो, ऐसे जो बड़बोले थे उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन जो जो आए उन्होंने बहुत उलझुलूल बातें की संविधान बदलने की। हॉट सीट कूल हवा में भी हम दिखा देते हैं आपको जो जो सीटें आ रही है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में, देखिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फिलहाल बीजेपी के नवीन जिंदल जो कि पिछले पहले मतलब आगे चल रहे हैं आप, और अभय चौटाला, सुशील गुप्ता यहां पर आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट कैंडिडेट है। एक ही सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, वहां पर INLD और सुशील गुप्ता दोनों पीछे चल रहे हैं। नवीन जिंदल अब बीजेपी के टिकट पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। लेकिन वापस यूपी पर आते हुए जल्दी से यूपी की, उत्तर प्रदेश को ये भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पर एक बड़ी पहली होगी, क्योंकि तीन चीजें हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरीके से कर्मभूमि है क्योंकि बनारस से चुनाव लड़ते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं गोरखपुर से आते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। तीसरा, अयोध्या में राम मंदिर है वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, और अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है,
तो इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन के बाद कि दो हिंदू हृदय सम्राट और राम मंदिर की स्थिति के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब हो रहा तो दो चीजें हो सकती, या तो हिंदुत्व का असर उत्तर प्रदेश के अंदर कम होता हुआ दिखाई जा रहा है, उसकी सीमाएं स्पष्ट हो रही हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उत्तर प्रदेश का उसने बहुत कमजोर काम किया है और इसके लिए वहां पे जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए और देखना चाहिए कि भाई राम मंदिर के बावजूद, योगी आदित्यनाथ के बावजूद, नरेंद्र मोदी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का खराब लड़ाई रही है जिसकी वजह से इसका असर नहीं, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मुझे कोई यकीन नहीं होता, मैं कभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बात भी नहीं करता। जो हालांकि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम जरूर यहाँ पर जोड़ेंगे, उससे पहले जरा हम हॉट सीट पर कूल हवा की तस्वीर भी उत्तर प्रदेश की दिखा देते हैं, क्योंकि 2014-2019 दोनों में ऐसे लम्हे आए। देखिए, ये सबसे हॉट सीट पूरे देश की कही जा रही थी, स्मृति ईरानी जहां से लड़ रही अमेठी, वहां पर स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। हॉट सीट की कूल हवा कहती है कि किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के आगे चल रहे हैं और लगातार ये बढ़त बनी हुई है किशोरी लाल शर्मा की। और हम उत्तर प्रदेश की एक और सीट आपको दिखा देते हैं जिसे हॉट सीट कहा गया, यानी कि राहुल गांधी आखिरी लम्हे में उन्होंने तय किया कि रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगे, आगे चल रहे हैं वहां से, और दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। हॉट सीट की कूल हवा के संदेश ये है। कुमार अभिषेक के पास चलें, उससे पहले संगीत जी जल्दी से ये बताइए कि 14-19 दोनों में यह थ्योरी आई कि अगर बीजेपी को 272 से नीचे आए तो मोदी के चेहरे पे एकमत नहीं बनेंगे सब, इस बार तो वाकई 272 से नीचे होते हुए क्या ऐसी आशंका लग रही है आपको? देखिए, ये भी एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि लोग 272 से नीचे आएगा तो भारतीय जनता पार्टी में किसी और को, कहा जाता है, मैं खुल करके बोल सकता हूँ कि भाई किसी न किसी और को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, संगठन ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और उससे बहुत बड़ा कारण है, मैं वो कह सकता हूँ। आप उनसे कोई बेहतर व्यक्ति आप मुझे बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी में, मैं तो नहीं मानता हूँ। आप अमित शाह से बेहतर व्यक्ति बता दीजिए कि जिन्होंने काम किया होम मिनिस्टर के तौर पे, मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, यदि किसी को मान लेते हैं कि उससे बेहतर काम करता हुआ दिख रहा होता, उनसे ज्यादा मेहनत करने वाला मुझे कोई एक व्यक्ति यदि आज के दिन में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई दिख रहा होता तो मैं जरूर कहता कि हाँ, उनको आप प्रमोट कर लीजिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सोचने की आज आवश्यकता पड़ रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के इतना दौरा, इतना काम करने के बावजूद भी यदि संगठन में जाकर के वहां से वोट देने के लिए वोट देने के लिए तो प्रधानमंत्री ला करके किसी स्वयंसेवक को पकड़ा करके नहीं कर देंगे ना कि आप जाकर के वोट देने के आ जाए। ये काम तो हिंदू समाज को करना था, लेकिन ये हिंदू समाज के लिए सोचने का विषय है। तो कुछ फैसले क्या जो अलग गए उसमें, जो अलग अलग थ्योरी बता, लेकिन फैजाबाद में लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं, और फैजाबाद में अगर लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन शाहनवाज जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जल्दी से, कुमार अभिषेक हमारे साथ लंबे वक्त से बड़े हुए, क्या चर्चा हो रही है अभिषेक वहां पर? बहुत सारी बातें, सत्ता विरोधी लहर, जो हम भी ग्राफिक्स के जरिए जो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यह भी सच है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर चल पड़ी। दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ क्या क्या बड़ी बातें गई हैं अभिषेक? देखिए अंजना, निश्चित तौर पर पीडीए का कार्ड अखिलेश यादव का चला है, हम उसे बेशक पीडीए शब्द दें लेकिन ओबीसी कंसोलिडेशन है, और उसकी वजह है अखिलेश यादव का पीडीए पर बहुत ज्यादा भरोसा करना, यानी कि ओबीसी टिकटों को देना। दलितों का कंसोलिडेशन है, ओबीसी दलित का कंसोलिडेशन है, और साथ साथ मुझे यूथ अनरेस्ट, जो कि हम लोग लगातार फील्ड से कह रहे थे, यूथ अनरेस्ट, जितनी भी चीजें, जितने भी चार मुद्दे आप देखते हैं, खास करके संविधान बदलना, आरक्षण खत्म करने की बात करना, या फिर नौकरियां नहीं होना, बेरोजगारी और पेपर लीक, ये चार ऐसे मुद्दे हैं जिसने यूथ को विमुख किया मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग से, और वो पूरा का पूरा इंडिया अलायंस के साथ गया। दूसरी बात जो मुझे समझ में आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का सर्ज है, कांग्रेस पार्टी और सपा का एक साथ आना, इसने एक विकल्प दिया उत्तर प्रदेश में जिस पर मुझे लगता है कि लोगों ने भरोसा किया है, और जिस तरीके से संविधान को लेकर बातें हुई, इसने दलितों के बीच में एक बड़ा मुझे रिजेंटमेंट समझ में आ रहा है। अगर आप कहेंगे हिंदुत्व की बात या फिर अयोध्या जैसे सीटों को पर बीजेपी के पीछे चलने की बात, तो आप देखिए वहां पर किस तरीके से
अखिलेश यादव ने एक सामान्य सीट पर जहां पर कि लल्लू सिंह जो कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं और वहां पर उन्होंने पासी बिरादरी से अपना उम्मीदवार दिया यानी कि दलित दिया, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि इस ओर इशारा कर रही हैं कि इस बार लोगों का भरोसा टूटा है। और दूसरी बात मुझे जो लग रही है वो ये कि कहीं ना कहीं बीजेपी का एक जो बहुत बड़ा एक बना हुआ है कि वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी फैसले ले सकती है, इसे लेकर के भी लोगों का एक रिजेंटमेंट था जो कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये चीजें यहाँ पर दिखाई दी। फिलहाल तो जो आंकड़े और आ रहे हैं उसमें 289 और इंडिया गठबंधन 236। केसी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी जी, हम शुरू से देख रहे हैं ये लगभग रुझान आसपास ही चंद सीट इधर चंद सीट उधर हो रहे हैं, इसीलिए ये जो बार बार ये भी कहा जा रहा है। हम आते हैं अब तक इस समय एक बड़ी खबर जो आ रही है वो भी हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। बिहार की सभी 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी आगे है, यानी कि LJP आगे इस समय चल रही है। हाजीपुर से चिराग पासवान 39,000 वोट से आगे हैं। हालांकि शुरुआत में यह भी कहा गया था कि चिराग शायद उनकी सीट फंस जाए, लेकिन फिलहाल इतनी बड़ी लीड के साथ लग नहीं रहा है, लेकिन अभी और राउंड आगे बाकी है और RJD को 4 सीटों पर बढ़त। बिल्कुल।